हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों तक? आवाज जा रही है मेरी आप लोगों तक? चलिए, और बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छा, इसको शेयर कर दिया जाए सभी लोग। आ जाओ भैया सभी लोग एक बार, क्योंकि तुरंत अभी हम लाइव आए हैं। ठीक है, तो जरा शेयर कर दें एक बार इसको, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हेलो सर, शुरू किया जाए सर? दीपिका सिंह, बिल्कुल शुरू किया जाएगा। देखो यार, काफी दिन के बाद आए हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा, लगभग काफी दिन के बाद, यानी 1.5-2 महीने बाद। ठीक, आए तो तुरंत हो गए हैं लाइव। इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे आ जाए। देखो अभी कितने हैं, 5-6-7 बच्चे हैं। ठीक, बात समझ में आई? समझ तो गए होंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग संजय जायसवाल आ गए, बहुत सही। राहुल कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग भैया। शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखिए, काफी दिन बाद आए हैं और मन से पढ़ाने के मूड में आए हैं, सही बता रहे हैं। दीपेंद्र, वेरी गुड नाम है, बहुत सही। संजय, तहलका मचा दिए सर। नहीं भाई, अपने तो बहुत सही। संजय जायसवाल, चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट किया जाए। देखो यार, जिंदगी में कुछ है नहीं, है सिर्फ जुनून। ठीक है, किसी भी चीज को अगर पाना है तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सटीक तरीके से मेहनत करो, मिल ही जाएगी। आज इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, पढ़ाएंगे कल से। ठीक है, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए, तो हम सोचे अब चला जाए। अब आप धुआं धुआं कर
कर देंगे सर जी। हाँ अभी हम लोगों ने आंदोलन चलाया, बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने 400 से ज्यादा शेयर किया, जो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए मेरे अंदर भी बहुत आत्मविश्वास रहता है आप लोगों को लेके कि नहीं युवा है, युवा है तो बहुत बेहतर समाज है हमारा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, धुआं धुआं कर दो सर, बिल्कुल सब मोह माया है, सब मोह माया है सर जी। सरकार लाइन पे आ गई, बिल्कुल नहीं आएगी तो लाया जाएगा ना यार, सरकार किससे है, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, जनता, जनता कौन है, हम लोग, ठीक है, और युवा किसे कहा जाता है, आप लोगों को, समझ पा रहे हैं ना। तो आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, अगर आप लोगों के अंदर यूनियन होगी, एकता होगी, तो अगर सही ढंग से अपनी मांग को उठाएंगे, कितना 24 घंटा भी तो नहीं लगा था, लगा था 24 घंटा नहीं, रिटेन में स्टेटमेंट आने लगा ना, पूरे चैनल पे आ गए। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड, सुदर्शन, विजय चौहान, चलिए 16 लोग आ चुके हैं। और बताइए आप लोगों का समय कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। गुड मॉर्निंग सर, धुआं धुआं हो जाए सर, बिल्कुल आप लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आता है जिंदगी में। मुझे लगता है कि जो मैंने काम अपने लिए सोचा या अपना प्रोफेशन जो था वो बहुत ही सही था, है कि नहीं, अच्छा है। अभी सुन रहे हैं काफी एग्जाम उग्जाम लग रहा है आप लोगों का, सरकार हम ही से है सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर, वेरी गुड, जैसे सड़क टू सड़क पे आ गई वैसे सरकार भी आ गई, बहुत सही, आप लोगों के अंदर जुनून गजब है, आप लोगों से मुझे सीखने को बहुत मिलता है, मेरा जो लेटेस्ट आप लोग वर्जन पाते हैं ना वो आप ही लोगों के द्वारा जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं ये हमेशा इसमें लोड होता रहता है, मतलब जो सबसे न्यू टेक्नोलॉजी आप लोगों की है वो मेरे पास आते रहती है आप ही लोगों के जरिए, तो तभी मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी तरीके समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों क्या है, आप लोग एकदम जनरेशन टॉप लेवल पे हैं, आप हम युवा के साथ है तो सब धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल। और बताइए पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए कुछ, देखो यार हम बता दें कि सरकार इतना सर्विस दे के जाएगी आप लोग लेते लेते थक जाएंगे, रीजन है, चुनाव है ना, आप लोग उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे संपूर्ण भारत देश का इतिहास पलट के देख लीजिए सरकारी सर्विस का, कब आती है, जब चुनाव आता है, तो तैयार रहिए, हर जगह से वैकेंसी आएगी धुआंधार, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना पढ़ते रहिए एकदम आराम से, डिजिटल हैं आप लोग, बैठे रहिए घर में, बटन ही दबाना है, शेयर लाइक, बस काम खत्म, समझ रहे ना, डिजिटल है हमारा देश, धुआं धुआं कर देंगे बिल्कुल आप हम युवा, बहुत खुशी की बात है, पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है, ठीक है, आंदोलन तो चलता रहता है, कहा जाता है कि जहां भी अत्याचार या शोषण बढ़ता है वहां पे आंदोलन का जन्म होता है, नहीं होता है, होता है, तो जहां भी शोषण बढ़ेगा वहां अत्याचार के लिए लोग सड़कों पे उतर आते हैं, लेकिन हमारी सरकार क्या है, समझदार है, कितना जल्दी डिसीजन लिए योगी जी, बड़े खुशी की बात है, नहीं बताइए युवाओं के दर्द को कितना जल्दी वो समझ गए, 24 घंटा भी नहीं लगा भाई साहब, और युवाओं के दर्द को वो क्या किए, समझ गए, तो ये सही बात है। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों को आगे पढ़ाई, पढ़ाई तो फाड़ के चल रही है, आप अगर साथ रहा तो फिर 10 बार किस बात का है सर, वेरी गुड, कोचिंग जैसा माहौल नहीं है सर, आपको बहुत मिस करते हैं हम लोग, अरे माहौल तो बनाया जाता है यार, माहौल तो कहीं भी बन जाता है, जंगल में माहौल बन जाता है, टैलेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं, जैसे आप लोग बैठे बैठे घर में माहौल बना दिए, सरकार यार सोचिए, सरकार ने तुरंत डिसीजन लिया कि 6 महीने के अंदर सारी वैकेंसी भरनी चाहिए, कितना मतलब सोचिए क्या पावर है युवा की, शक्ति पहचानिए आप लोग अपने आप को। अरे सर यूपीएसआई का भी कुछ कराइए, बिल्कुल होगा, देखो यार एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा पढ़ लिख के सिलेक्शन नहीं होगा, अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बैठा लो मेरे भाई दोस्त, समझ रहे हो ना, कि आप पढ़ना है बस वही पढ़ना, हर चीज का सिलेबस निकाल लेना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसको अपना पढ़ लेना जहां से भी होगा, ठीक है, और जितना बचेगा मेन टॉपिक जो होगा मैं खुद पढ़ा दूंगा पूरा ऑल टू ऑल, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अपने से पढ़ना पड़ेगा, एक आदमी अपने आप में इतना बड़ा ज्ञाता नहीं होता कि आपको सारी चीजें दे दे, आप पढ़िए जहां से मिल रहा है, ज्ञान भंडार है, जहां मिल रहा है, जहां
आज डिजिटल युग हो चुका है, जहां चीजें अच्छी हैं वहां आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हम जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोग भी बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है हमसे भी कोई ज्यादा बेहतर देता हो इस दुनिया में। जहां पे मिले पढ़ाई लिखाई अपनी करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून रखिए। चलिए, तो कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात कर लिया जाए ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत सही। सब करवाया जाएगा, ठीक है, जितने भी एग्जाम होंगे आप देखेंगे एक लाइन से सारे एग्जाम लगेंगे कुछ दिनों के अंदर। यार देखो, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, पढ़ाई का क्राइटेरिया बिल्कुल एक होता है। जो मैक्सिमम सिलेबस होता है आपका, जीएस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक आपका मेन होता है। ठीक, मैथ आना है, रीजनिंग आना है, जीएस आना है। जीएस में चार पांच टॉपिक आपके जो है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोग्राफी, ये तो हर जगह आएगा, यही मेन पार्ट होता है। इसके बाद 10-20% इधर उधर कहीं मिसलेनियस ज्यादा पूछ लेगा, कहीं करेंट अफेयर ज्यादा पूछ लेता है, समझ रहे हो ना। तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, मेन सिलेबस पे अपने अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। ये जो पांच टॉपिक है जहां से आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। दूसरा, चाहे जिस भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हो, उसके कम से कम 10 से 15 साल 20 साल पुराने जो आपको पेपर मिल रहे हैं उसको जरूर देख के जाओ, क्योंकि जब एग्जामिनर भी पेपर बनाने बैठता है तो वहीं से कहीं ना कहीं निकालता है प्रश्न। आज कोई मोटिवेशन पॉइंट बताइए गुरुजी, एकदम बिल्कुल मोटिवेशन ही पॉइंट है। हम इसी वजह से हैं कि आप लोगों से सिर्फ इस बारे में बात किया जा सके कि आगामी जो समय में लग रहे हैं आपके बाद एक के बाद एक एग्जाम, उसमें करना क्या है कि नहीं। देखो यार, कहीं ना कहीं सभी के पास एक साल है भाई, और 1 से 1.5 साल के अंदर कर लेना है, क्योंकि फिर चुनाव हो जाएगा, फिर 3-4 साल तक आप जानते हैं प्रक्रिया बनने में लग जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से करना है। और हम जो है कि कल से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, बात समझ में आया, और बहुत तीव्र गति से उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो कल मेरा जो समय होगा वो होगा 9 बजे, बात समझ में आया। अरे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल क्लासेज, एकदम बिल्कुल आप लोगों को तो जबरदस्त तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे हैं, चाहे गांव में हैं चाहे कहीं भी हैं, पढ़ाई का देखो इस समय सिर्फ एक ही माध्यम है, वो क्या है, आपका YouTube या तो ऐप, इसी दो जरिए पढ़ाई हो रही है। तो जहां आपके जो सब्जेक्ट अच्छे मिल रहे हैं, जहां चीजें हैं आपको बेहतर लगती हैं अपने हिसाब से, जैसे कोई पुलिस भर दिया है, ठीक है, कोई SI भर दिया है, तो जहां आपको लगता है कि वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस मिल सकता है, जो सारे सब्जेक्ट आपको पूछ रहा है वहां, जैसे अभिरुचि परीक्षण होता है, ठीक है, कुछ चीजें अलग हटके होती है, जैसे अब उसमें पूछ रहा है आपका क्या पूछेगा, कई अगर SI हो तो उसमें पूछ देता है मूल विधि। ठीक, ये कुछ सब्जेक्ट आपको जहां अच्छे मिल रहे हैं आप वहां अपना पढ़ते रहिए, पढ़ने का प्रयत्न करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सही डायरेक्शन में एकदम बिल्कुल पढ़ते जाइए 100%। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो इस एक साल के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथों में सर्विस होगी। अगर हम लोग अपने देश के, अरे अपने राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार बात करें तो उन्होंने 6 महीने में आदेश दिया है कि नियुक्ति पत्र दे दो, मतलब ज्वाइनिंग दे दो, बात समझ में आया। तो उनकी बातों पर विश्वास करके एकदम कायदे से चला जाए तो 6 महीने के अंदर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैक्सिमम घटनाएं होती रहती हैं, तो एक साल तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि एक साल के अंदर सर्विस मिल जाएगी।
ऐप पर फ्री क्लास लाइए। बिल्कुल लाएंगे फ्री क्लास। और बताइए। चलिए ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं करते हैं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं 9 बजे।